डियर व्यूअर्स, वेलकम यू ऑल टू डॉक्टर मधुस फिजियो क्लासेस। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ अबाउट न्यूटन्स थर्ड लॉ इन बायोमैकेनिक्स। न्यूटन का थर्ड लॉ तो आप सबने पढ़ा ही होगा 10+2 में अपने बेसिक साइंस सब्जेक्ट्स में, लेकिन किस तरीके से इस लॉ का हम बायोमैकेनिक्स में एप्लीकेशन करते हैं, जानते हैं आज इस बारे में। वैसे मैं आपको बता दूं, ये एक चैनल है जिसमें मैं बायोमैकेनिक्स, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इलेक्ट्रो, एक्सरसाइज थेरेपी जैसे फिजियोथेरेपी के जो भी बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उनके कुछ टॉपिक्स पे डिस्कशंस करती हूँ, वो भी हिंदी में एक सिंप्लीफाइड वे में। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई टॉपिक है जो आपको समझ ना आ रहा हो, मेरे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं और उसकी एक अंडरस्टैंडिंग आप नेक्स्ट वीडियो के थ्रू समझ सकते हैं। सो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी हर क्रिया की उसके बराबर और उसके विरुद्ध दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। अब बायोमैकेनिक्स में वी कैन रीस्टेट इट एज व्हेन वन ऑब्जेक्ट अप्लाइज अ फोर्स टू द सेकंड ऑब्जेक्ट, द सेकंड ऑब्जेक्ट मस्ट साइमल्टेनियसली अप्लाई अ फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन टू द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। यानी जब भी एक वस्तु दूसरे वस्तु में एक फोर्स अप्लाई करता है, दूसरा वस्तु भी बराबर अमाउंट का यानी मैग्नीट्यूड का एक फोर्स अप्लाई करता है, लेकिन विपरीत दिशा में, ऑपोजिट डायरेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर किसी टेबल को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, वो टेबल भी हमें उतनी ही जोर से यानी मैग्नीट्यूड में अपनी ओर खींच रहा होता है। फर्क सिर्फ ये होता है कि खींचने की दिशा मतलब फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो उल्टी तरफ होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। सो इस एग्जाम्पल में एक इंडिविजुअल का टेबल को अपनी ओर खींचना ये एक क्रिया है, मतलब एक एक्शन है, और टेबल का इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक प्रतिक्रिया है यानी रिएक्शन है। सो दीज टू फोर्सेस ऑन द टू कॉन्टैक्टिंग ऑब्जेक्ट्स कंस्टिट्यूट एन इंटरैक्शन पेयर, और उनको कहा जाता है एक्शन रिएक्शन फोर्सेस या फिर सिंपली रिएक्शन फोर्सेस। अब न्यूटन ने जब इस बात को, इस फिनोमेना को नोटिस किया कि जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के कॉन्टैक्ट में आता है, दोनों ही एक दूसरे पर एक फोर्स एग्जर्ट करते हैं इन इक्वल मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, तो इन फोर्सेस को कहा जाता है रिएक्शन फोर्सेस या फिर कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ये जो रिएक्शन फोर्सेस हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि ये सेम लाइन में होते हैं, लेकिन ये दो दूसरे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक्ट कर रहे होते हैं और दो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे होते हैं, दो एडजेसेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर डिफरेंट डायरेक्शंस में, डिफरेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स में इनका एक्शन लाइन होता है। और जैसा मैंने कहा कि ये जो रिएक्शन फोर्सेस होते हैं ये एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे होते हैं, मतलब दोनों फोर्सेस इधर एक दूसरे को पुल कर रहे होते हैं या फिर एक दूसरे को पुश कर रहे होते हैं। और क्योंकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बोथ द फोर्सेस, जो ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस और रिएक्शन फोर्सेस की मैं बात कर रही हूँ, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में होते हैं, तो ये कभी भी एक फोर्स सिस्टम का हिस्सा नहीं होते। सो व्हेनेवर वी आर ट्राइंग टू अकाउंट फॉर फोर्सेस which are acting on an object, we should remember three things. Pehla ye, forces on an object are exerted by things that touch that object. Matlab kisi bhi object ke upar, usse touch karne wala har ek dusra object uspe ek force exert karta hai. Whenever two objects contact each other, they exert a force on each other. जब भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं, वो दोनों ही ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट करते हैं। ग्रेविटी एग्जर्ट्स अ फोर्स ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट्स। अपने ग्रेविटी रिलेटेड प्रीवियसली पब्लिश्ड वीडियो में मैंने आपको कहा था कि ग्रेविटी इज अ फोर्स विच एक्ट्स ऑन एवरी ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, दैट मीन्स ग्रेविटी इज ऑलवेज टचिंग एन ऑब्जेक्ट। उम्मीद करती हूँ इस डिस्कशन से आपको समझ आ गया होगा कि न्यूटन के थर्ड लॉ को बायोमैकेनिक्स के पर्सपेक्टिव से आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं या इसकी एक समझ आप कैसे ले सकते हैं। ऐसे ही बायोमैकेनिकल प्रिंसिपल्स को सिंपल तरीके से समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे दूसरे प्लेलिस्ट को भी चेक करें जिसमें इलेक्ट्रोथेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इन सारे सब्जेक्ट्स के कुछ टॉपिक्स का मैंने एक सिंप्लीफाइड वे में एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। और मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले कि आपको किस टॉपिक पे डिस्कशन चाहिए। थैंक यू सो मच, सी यू सून, टिल देन टेक गुड केयर।